जगत सारा क्षणित है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एक मात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूं, ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूं। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति का स्वीकार होता है। ज्ञान ज्ञान को जानता है। पर्याय में पर्याय का वेदन होता है और जो अनादि अनंत ध्रुव सत्ता जो न वेदन करती है, जो न वेदन में आती है, फिर भी जिसकी महिमा अपरंपार है और यही मेरा अस्तित्व है,
अनंत परमाणुओं के बिखरने पर भी इस ध्रुव चैतन्य सत्ता का बिखरना नहीं हो सकता। ये ऐसे ही है जैसे देह के अनंत परमाणु तो बिखर जाए मगर इस देह के अनंत परमाणुओं में प्रत्येक परमाणु का अस्तित्व स्वतंत्र है और एक परमाणु जिसके दो टुकड़े नहीं हो सकते। इसे ही तो परमाणु कहते हैं कि पुद्गल का जो अविभाज्य अंश है, जो एक छोटा सा परमाणु है, वह छोटा इसलिए हम कहते हैं क्योंकि स्कंध के साथ में उसकी तुलना करते हैं। वास्तव में वह परमाणु छोटा नहीं है, वह परमाणु अनंत गुणाधिपति है। बात यह समझनी है कि जो परमाणु है उस परमाणु के खंड नहीं होते, उस परमाणु में विभाजन नहीं होता, उस परमाणु में कुछ भी नहीं मिलता और कुछ भी नहीं निकलता। वह परमाणु जैसे अखंड है और परिपूर्ण है, ऐसे ही ये चैतन्य सत्ता परमाणु की तरह ही अखंड है, खंडित नहीं हो सकती है। और ऐसे ये अखंड ध्रुव सत्ता जिसके जोर से परिणामों का जोर कम हो जाता है, परिणामों पर दृष्टि जाती थी वह छूट जाती है, परिणामों के जगत में ही जो जीवन जिया जा रहा था, जहां मान्यता ही ऐसे पड़ी थी कि परिणाम ही जीवन है और जगत है, यह किया यह कर रहा हूं और यह करूंगा, कल यह हुआ था आज यह हो रहा है कल यह होगा, ये जो जीवन की ये जो धारा चल रही है, उस जीवन की धारा की जो परिभाषा थी वह काल के भेद से, वह परमाणुओं के परिणमन से, या फिर उन विकल्पों की तरंगों से जो काल का और जो जगत का ये नाप था, वह छूट जाता है और एक ही जगत है, यह चैतन्य जगत यही जगत है। चैतन्य जगत ही एकमात्र ऐसा जगत है, तब पूरा भाव ग्रहण करना, उसमें अनंत गुणों की अखंडता और सत्ता, और जैसे ही ये भाव ग्रहण करना हुआ तो जितने जितने विकल्प थे वो विकल्प क्यों छूटने लगते हैं? ये कल्पना नहीं करता है, ये परिणमन के पीछे उस सत्ता के भाव को ग्रहण करता है। इसके पास कुछ आधार है, ये कल्पना नहीं है, आधार है, और आधार ये ज्ञान है। मैं ज्ञान सत्ता मात्र हूं, ज्ञान सत्ता मात्र हूं। तो इस प्रकार से विचार करने पर पहले तो आकुलता मंद होती है, भविष्य की जो चिंता थी उस चिंता से छुटकारा होने लगता है, शुरुआत तो होती है, खाली हम कोई घटना घटित तो होने वाली हो तो हम कहते हैं जो होगा सो होगा, जाने दो चिंता क्यों करते हैं। मगर अब ये विचार करते हैं कि मुझ चैतन्य तत्व में कुछ भी नहीं हो रहा है, जाने दो चिंता क्यों करते हो, मगर मेरे ध्रुव स्वरूप में तो कुछ घटित नहीं हो रहा है। अब जब तू तत्व विचार कर तब यह विचार जो है यह विचार भी तुझे
जलने जैसा दुखदायक लगना चाहिए कि मैं ऐसा चैतन्य तत्व हूं जिसमें कोई कार्य हो ही नहीं रहा। तत्व विचार का जोर ऐसे लाना है कि मैं ज्ञान सत्ता मात्र हूं, क्योंकि जिस समय ये विचार चला कि मुझ में तो परिणाम है ही नहीं, तो उतना समय बर्बाद गया है, उतना समय उन विकल्पों में गया है। और ये मत समझना कि अभी शुरुआत तो ऐसे ही करनी है और फिर बाद में वालों को अनुभूति होती ही नहीं। इसलिए अभी ये जोर कि मैं ध्रुव उस पर्याय को व्यर्थ में क्यों गवाता हूं, ये परिणाम मैं नहीं हूं, ये पर्याय मैं नहीं हूं। जब तू तत्व विचार करता है तो उस तत्व विचार में ये नाश्ते 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 ये कब तक चलता रहेगा? और नाश्ते से जो कुछ भी चल रहा हो उससे अनुभूति होते ही नहीं है। वहां तो नास्ति का विकल्प तक नहीं है। नास्ति ये नहीं हूं नहीं हूं नहीं हूं नहीं हूं, इसलिए अपने पर ही जोर। ये देह मैं नहीं हूं, ये देह तो राख की दीवार है, ये देह तो क्षण भंगुर है, यहां इस जगत में क्या टिक करके रहता है? जो जन्मता है वह मरता है, उत्पाद होता है वहां व्यय होता ही है, ये सब समय की बर्बादी है। तेरे लिए ये कहता हूं क्योंकि तू अब यहां पहुंचा है तो एक ही प्रयोजन, ध्रुव 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 ध्रुव, और इसके अनुभव को अंदर में इसका अनुभव करना, तो थकान नहीं लगेगी। तत्व विचार करेगा तो थकान लग जाएगी, इसलिए विचार हम करते हैं तो विचार में फिर थोड़ी देर के बाद में फिर ऐसा लगता है कि लाओ कुछ और करो। वो मन है, वह मन भागता ही है। वो ध्रुव के तत्व विचार में वह टिकेगा नहीं, वह हो ही नहीं सकता, तो थकान लगेगी। और उसमें वो दुख भी लगेगा, मुझे सोना है मुझे सोना है मुझे सोना है मुझे सोना है। तो ये सोने सोने का जो विकल्प है, 5 मिनट तक ये विकल्प चलता रहे, मुझे सोना है मुझे सोना है मुझे सोना है, ये विकल्प 5 मिनट के अंदर कंटिन्यू तुम यही विकल्प विचार करो, मुझे सोना है 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 मुझे सोना है, ये विकल्प थोड़ी देर में सिर पक जाएगा, लंबा नहीं टिकेगा, ये आकुलता होने लगेगी। एक ये विकल्प है और एक है निंद आ जाना। निंद के काल में थकान क्यों नहीं है? उल्टा हम कहते हैं निंद आ गई तो थकान दूर हो गई, पूरे दिन भर की थकान दूर हो गई। सोने का जो विकल्प है वह थकान पैदा करता है और सो जाने से वह थकान दूर हो जाती है। इसलिए उस समय पूरी तरह से हेय बुद्धि होती है। जिस समय रात को नींद आने से कुछ समय पहले तक जो विकल्प चलते हैं, चलो मैं सो जाता हूं, भले वहां पर ऐसा सोचते नहीं है, चलो मैं सो जाता हूं चलो मैं सो जाता हूं चलो मैं सो जाता हूं, ये शब्द से वो नहीं सोचता, मगर जब रात को बेड पर जाकर लेट गया पूरा निर्णय करके ही कि अब सोना है, कंबल ओढ़ लिया है सोना है, मगर जब तक वो विकल्प से जब तक चलता रहता है, भले शब्द भी वहां ना आए, वह थकान पैदा करता है,
वह भी अंदर में अंदर में अंदर में आकुलता पैदा करता है, वह आकुलता पैदा करता है। इसलिए जो हम शिकायत करते हैं, नींद आती ही नहीं है, करवटे बदलते ही रहते, वो विकल्प इतना सताता है, सोना है सोना है सोना है, और नींद आ जाना, वो जिस समय वो नींद आ गई और उस समय सोना है ये विकल्प नहीं, उस समय करवट बदले तो पता नहीं, सांसें चलती हो तो पता नहीं, वहां महत्वपूर्ण घटना जो घटित हुई है वो यही कि सोना है सोना है सोना है सोना है, ये जो तैयारी थी, ये जो विचार चल रहा था वो कहां चला गया और प्रयोग हो गया। इसलिए ये विकल्प कि मैं ध्रुव हूं मैं ध्रुव हूं मैं ध्रुव हूं मैं ध्रुव हूं मैं ध्रुव हूं, उसमें रस मत लेना, उसमें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा लगता है तुम्हें? मैं सोना चाहता हूं, मुझे सोना है मुझे सोना है, ये जो भाव आ रहा है उस भाव में क्या मजा आ रहा है? पूरा निर्णय तो यही था ना कि नींद आ जाए। निर्विकल्प ध्यान में ये जो विकल्प चल रहे थे उससे पहले, ध्यान से पूर्व, कि मैं ज्ञान मात्र हूं, मैं ध्रुव सत्ता स्वरूप हूं, मैं ध्रुव सत्ता स्वरूप हूं, मैं ध्रुव सत्ता स्वरूप हूं, उसमें ही वो जो ध्रुव सत्ता स्वरूप हूं ये विकल्प जो है वो ध्रुव के जोर से वो उछल कूद करता हुआ जो मन है, बस उछल कूद करते हुए मन का उछल कूद करना अब कम हो जाएगा, अहोभाव इसका बड़ा, अहोभाव इसका बड़ा है। और इस वजह से लेकर के बाकी कहीं पर भी अपनापन न हो तो फिर उसके परिणमन के कारण, उसकी महिमा घटने के कारण अब इतनी आकुलता नहीं होती। ऐसा ये अभ्यास करना है, जो घर में आग लगी है वह व्यक्ति पहले पानी लेकर के आग को बुझाने का प्रयास नहीं करता। जैसे ही आग का पता चले ना, भगवान आग का पता चलते ही पहले वो घर से बाहर निकल जाता। और ऐसा ही करना है, ये जो तत्व विचार चलता है, जो मन के निमित्त से चलता है, मैं ध्रुव चैतन्य हूं मैं ध्रुव चैतन्य हूं मैं ध्रुव चैतन्य हूं, ये जो विचार चलता है, वहां से वो जो शुद्ध ज्ञान है वह ज्ञान विचार नहीं करता है, मात्र जानता है जानता है जानता है जानता है। इसलिए ध्रुव का जोर आते ही एक अपूर्व चमत्कार होता है कि ध्रुव का जोर आते ही आनंद, सम्यक दर्शन, वितरागता, ये सब ज्ञान के ज्ञेय बन जाते हैं। ज्ञान के ज्ञेय बनने का अर्थ है कि कर रहा हूं ऐसा नहीं, वितरागता हुई, सम्यक दर्शन हुआ है, वितरागता हुई है, आनंद प्रकट हुआ, ये सब ज्ञान के ज्ञेय बन जाते हैं। उस घर की आग को बुझाने का भाव नहीं करना, बाहर निकलना।
और घर से बाहर निकलना ये भी कहां करना है? जब घर में आग लगी है तो भाग करके बाहर निकलना ऐसा नहीं। तुम वहां सो रहे हो जहां आग ही नहीं लगी, और सपना आया कि आग लग गई जहां मैं सो रहा हूं। मात्र आंख खोलना और आंख खोल करके देखा तो जहां पर तुम हो वहां आग नहीं लगी। आंख खोल करके देखा कि जहां तुम हो वहां आग नहीं लगी, ऐसा कौन समझदार व्यक्ति होगा कि फिर भागेगा। रात को सपना आया कि यहां सांप आ गया है और आंख खुल गई और कहीं सांप नहीं है, ऐसा कौन समझदार व्यक्ति होगा कि जो सांप से बचने के लिए भागेगा। वो जो सपने में सांप दिखाई दिया था, ऐसे ही मिथ्यात्व के काल में ऐसा अनुभव होता है कि ये विकल्प है। जिस समय वो स्वप्न में से बाहर आता है तब ये विकल्प नहीं है, ये ज्ञान ही है। ये ज्ञान ही है, विकल्प है ही नहीं, क्योंकि उस ज्ञान में ज्ञान का परिणमन है और उस ज्ञान में ज्ञान का विस्तार है। ऐसा यह ज्ञान 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 मात्र ऐसा मैं भगवान आत्मा। तो वहां संसार का, वहां पर विकल्प नहीं, कल्पना भी नहीं, संसार है कहां फिर? मगर ढूंढो उसको, ऐसा हो टॉर्च ला करके फिर वहां पर सर्प को ढूंढो, बड़ा हेलोजन लगा दो, बड़ी बड़ी लाइट लगाओ, मगर कुछ भी नहीं होगा। कि कहां है वह सांप? है कहां सांप? कहीं पर भी नहीं है। सांप आ ही नहीं सकता वहां पर, वो सांप की कल्पना थी। सांप आएगा? सांप नहीं। मगर जाग करके वह व्यक्ति सांप को तो पाता नहीं है, मगर जागने के बाद में वह ढूंढे कि थोड़ी देर पहले जो सपना चल रहा था वह सपना किधर गया, वह भी नहीं आता। इसलिए हमारे सपने बहुत बार छूटने के बाद में फिर हम कोशिश करें कि फिर से सो जाए और वही सपना फिर दोबारा आए, तो वह आता ही नहीं। ऐसे ही ये जो अनुभव भ्रम में हो रहा था, बस उस भ्रम से छुटकारा होता। भ्रम से छुटकारा होने का भाव यह है कि वस्तु वहां पर थी ही नहीं। ये मन के विकल्प जो है, वो मन के विकल्प आत्मा में बहुत पड़े हुए हैं। अब मन के विकल्प से छूटू कैसे? वहां ये स्वीकार करके ये मन के विकल्प लग रहे हैं, ये मन के विकल्प नहीं है। मेरे अंदर ये मन में बहुत विकल्प है, बहुत विकल्प है। ये बहुत विकल्प से छूटू कैसे? बहुत विकल्प से छूटना नहीं है, क्योंकि वो ज्ञान है, वो विकल्प नहीं है। जो तेरे अंदर है वो विकल्प नहीं है, तेरे अंदर है वह ज्ञान है। जो विकल्प है, तू जो शिकायत करता है कि मेरे में ये विकल्प है, वहां विकल्प नहीं है, वहां विकल्प का प्रतिबिंब जो है। मगर प्रतिबिंब, वो प्रतिबिंब विकल्प नहीं है, वो प्रतिबिंब तो ज्ञान है। जहां वो विकल्प का प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब जहां है वो प्रतिबिंब में विकल्प नहीं है, वो ज्ञान है। और तू तेरी बात कर तो तू अब एक शिकायत क्यों करता है कि मेरे में ये विकल्प क्यों है? मेरे में विकल्प क्यों है? विकल्प नहीं है,
मेरे में साप क्यों है, मेरे में साप क्यों है, दर्पण शिकायत करे कि मेरे में साप क्यों है। अरे तेरे में साप नहीं है, तेरे में स्वच्छता ही है और कुछ भी नहीं है। ऐसा ही ज्ञान स्वरूप भगवान आत्मा का अहोभाव आए कि ये भगवान आत्मा में, विकल्प से छूटने का भाव ही नहीं रहता। ये जो ध्यान में शुद्ध चैतन्य परमात्म तत्व, ये निर्विकल्प ध्यान में भगवान आत्मा की जो शुद्धता जो स्वीकार होती है कि ये भगवान आत्मा में, अब कोई प्रयास करेगा कुछ? इसलिए जो ज्ञानी है वो विकल्प के अकर्ता क्यों हो गए, विकल्प को दूर करने क्यों नहीं जाते? और ज्ञानी को ज्ञान की धारा और ज्ञान की अनुभूति क्यों होती रहती? वह जो विकल्प निकल गया है कि जैसे यहां दर्पण को छुआ और अंदर में कहीं पर भी सांप का अनुभव नहीं हुआ, और मात्र स्वच्छ दर्पण की स्पर्शना हुई तो उसमें से वो बाहर, अब वो कोई ने कोई के लाओ, कोई चिमटा लेकर के आओ, कुछ करो, वो करो भाव ही नहीं आता, क्योंकि अनुभूति जब हो कि सांप तो फिर बाहर निकालो। ऐसे ही ये ज्ञान 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 इस प्रकार का तू इतना गहराई में जाकर तत्व विचार कर, ये तेरा वो जो विकल्प जो उत्पन्न होता था कि लाओ चिमटे से सांप को निकालो, वो विकल्प के लिए, अब वो हटाने के लिए क्या करेगा कि ना छोड़ो, अब सांप को नहीं निकालूंगा मैं बाहर, इसकी मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं दर्पण में से चिमटा लेकर के दर्पण में से सांप नहीं निकालने का नियम ले लेता हूं। ऐसा कोई नियम लेता है? वो स्पर्शना होते ही ऐसे ही ये प्रयोग करना है कि ज्ञान 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 मात्र का स्वीकार होते ही जिन विकारों को मैं निकालना चाहता हूं, वो विकार अनुभव में ही नहीं आते, वहां ज्ञान अनुभव में आता है। और कल्पना में जो दिखाई देता था कि विकार है, मगर जागृति हुई ना, ये नींद में स्पर्शना नहीं होती, दर्पण को जब वो छू करके अनुभव करता है वो नींद में नहीं है, वो खुली आंख से है, वो ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति है, वो नींद में नहीं कर रहा। ज्ञान में ज्ञान की अनुभूति तो वहां वेदन होता है उसको, और तेरे को ऐसा अभ्यास करेगा तो अभ्यासु को ये समझ में आएगा, ये कोई शास्त्र की बात नहीं है कि पढ़ पढ़ के तुझे सुनाता हूं। मैं कहता हूं ये जो सुन रहा है, वो जो तू अनुभव कर रहा है, वो अनुभव ही सच्चा शास्त्र है। वो तेरे भीतर में वो जो दर्पण की स्पर्शना हुई, वो तूने साक्षात जीवंत शास्त्र को हाथ में लेकर के पढ़ लिया। आज तक तो वो चमड़े के ऊपर कागज था, उसका नाम स्वाध्याय नहीं था। हाथ भी चमड़ा, आंख भी चमड़ा और शास्त्र भी कागज, ये सब वही था, और उसमें ही उसमें स्वाध्याय माना था। अब आधार तू चमड़े को नहीं लेता, निमित्त तू चमड़े को नहीं बनाता, और दृष्टि तेरी कागज के ऊपर नहीं है। अब प्रत्यक्ष जो साक्षात ये देखना हो रहा है ज्ञान को, ज्ञान को ज्ञान में पढ़ता है, ये वास्तव में पढ़ना, ये इसका नाम है। ओहो, उसका भी बिल्कुल मात्र कुछ नहीं, जान लेता है और कुछ नहीं। आत्मा को लखो, आत्मा को पढ़ो, तो यही तो है। ये जो आत्मा है, जब पर्याय द्रव्य के सन्मुख होती है, जब द्रव्य सन्मुख होती है तब वो आत्मा को पढ़ लेता है। पर्याय में ऐसा अनुभव ये, इसलिए कबीर ने कहा वो जो ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो, पढ़ना पढ़ना कहा है,
लोग वहां पर भी वो ढाई अक्षर प्रेम का वो पढ़ने जाते हैं कि प है, र है, ऐसा करके। वो नहीं है, उनका पढ़ने से तात्पर्य है वो भीतर की बात है। ये पढ़ना, वो ढाई अक्षर को पढ़ना, वास्तव में तो वो ज्ञान जो अंदर में ढलता है उसे पढ़ना, नमन करता है। तो जब भगवान को तू नमन करे ना, भगवान के सामने ऐसे नमस्कार करता है, तो उस समय भी तू ये जानने वाला देखने वाला ही है, जानने देखने वाला है, ये झुकने वाला तू नहीं है। ऐसा दूर से देखना, उसे कहते नमस्कार भी किया, मगर तू नमस्कार करने वाला नहीं है, तू उसका मात्र दृष्टा है। इसलिए मुसलमान में यह शब्द मुझे बहुत प्रीतिकर लगता है। नमाज बोलना नहीं कहते, नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ने गया हूं। वो जो नमस्कार होता है, उस नमस्कार को भी दूर से जो पढ़ता है वो बहुत उसका सूक्ष्म भाव है। ये तो मुसलमान शब्द सुनकर के एलर्जी हो जाएगी, बाकी शब्द को भाव से देखो तो कहीं से भी तुम्हें मिल जाएगा। और मैं आग्रही नहीं, इसलिए जहां पर शब्द कान में पड़ा कि ज्ञान ज्ञान ज्ञान, कबीर को पढ़ो, दादू को पढ़ो, फरीद को पढ़ो, नानक को पढ़ो, उनके जो भी उनके शब्द को मत पढ़ो, वो जो कह रहे हैं ना उस भाव को पढ़ो, तो फिर पता चलेगा ये लाउत से क्या कहता है, तर्तुल्यन क्या कहता है, बाईजीत क्या कहता है। उनके उनके सूक्ष्म भावों को यदि समझो तो पता चलेगा ताऊ क्या कहता, गुरजीव क्या कहता। शब्द कहीं पर भी नहीं, वो पढ़ना। पढ़ने का अर्थ है कि अंदर में दर्पण को हाथ लगा, उसने पढ़ लिया। अब वहां पर आंख से वो दर्पण को पढ़ने नहीं गया, उसकी स्पर्शना में पढ़ना हो गया। हमने इसे पढ़ाई कह दिया। आज मुनिवर राम से जिस पाहुड़ दोहा के 189 नंबर का दोहा है, जिसमें मन के विकल्प जो उछल कूद करते हैं मेंढक की तरह, उनसे मुक्त होने को कहा कि वो मन के विकल्प है, वो आशा इच्छा वो ऐसे ही चलती रहती, उनसे मुक्त होना, मुक्त होना, मुक्त होना माने साफ से छुटकारा पाना। मैंने आज शुरुआत में ही आपको ये पूरा प्रयोग बता दिया। जो अंत में बताता हूं वो अंत का पता नहीं कि अंत तक मैं जीऊंगा या नहीं, इसलिए लाओ पहले से ही ये बता दूं। आज वही भाव आया कि ज्ञान 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 की अनुभूति, ये ज्ञान ये ज्ञान ये ज्ञान ये ज्ञान ये ज्ञान ये ज्ञान मात्र अनुभव। और यहां मात्र स्वच्छता 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 रूपी परिणमन होगा, ये नियम है। वहां पर परिवर्तन आएगा कि वो सांप है, सांप के बदले में अजगर आ जाए, उसके बदले में मोर भी आ जाए, मगर यहां जो स्वच्छता रूप जो परिणमन हो रहा है और उसी ज्ञान की स्पर्शना से उसमें सुख माने बिना, ज्ञान की स्पर्शना से उस स्पर्शना में सुख माने बिना, सत्ता मात्र में ही अपनापन, कि यही भगवान आत्मा, ये मैं ऐसा, उसमें सुख माने बिना, दर्पण में ये जो सांप का प्रतिबिंब पड़ा मगर वो दर्पण को छू करके, छूने से सुख नहीं मानता है, छुआ उसमें सुख नहीं है, उससे तो भ्रम दूर हो गया।
भ्रम छूने पर यह भ्रम दूर हो गया कि यहां सांप है। अगर भ्रम दूर हो गया, आनंद उसका नहीं है, वो भ्रम दूर हो गया कि यहां सांप नहीं है। असली बात यह है कि जहां दर्पण को छुआ और सांप नहीं है, नगर जिसको छुआ उसको पकड़ लिया है, माने यह दर्पण मैं हूं, ऐसा है, ऐसा है। उसके अंदर वहां पर मैंपना स्थापित हुआ है कि यही मैं हूं। घर में चूहे बिल्ली नहीं है, घर में मच्छर मक्खी माकड़ ये नहीं है। ये आपने सुना तो उसमें आनंद क्या आता, घर बिल्कुल साफ सुथरा। मगर जो साफ सुथरा ये जो गुणगान गाया जा रहा है वो मेरा घर कहां है। इसलिए ये ज्ञान की अनुभूति से कि यहां तो कोई ज्ञेय है ही नहीं, यहां ज्ञान ही है। मगर ज्ञान ही है ऐसा नहीं, ये ज्ञान ही जो है उसमें जो ज्ञान मात्र सत्ता जो है वही मैं हूं ऐसा भाव अंतर में आता है, तब वो आनंद का कारण बनता है, मैंपना स्थापित होता है। तो ऐसा ये मैं ऐसा भाव आता है। और उसके बाद में वो एक बार विचार से ये जो हुआ है, विचार करते करते ना, ये विचार करते करते कि यही मैं, यही मैं, यही मैं, यही मैं, यही मैं, और उसके बाद में तुम किचन में गए। ये अभी तुम सुन रहे हो, अभी ये विचार भी चल रहा है, मगर फिर तुम किचन में गए और वहां पर कांच का गिलास फूट गया, तो लगेगा कि अभी मैं ये सुन रहा था, चैतन्य परमात्मा की पुकार मैं सुन रहा था, और ये क्या हो गया। अभी तो भेद ज्ञान और चिंतन चल रहा था, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। तो उसमें दो बात है कि जो तत्व विचार चल रहा था वो तत्व विचार में मन के निमित्त से विचार चल रहा था, सिर्फ विचार चल रहा था। और अभी ये गिलास फूटा है और दुख हुआ ना, उसमें विचार नहीं है, उसमें तो मलिन परिणति और मिथ्यात्व अंदर शामिल है। मेरा गिलास फूट गया और इतना अच्छा गिलास था, इतना महंगा गिलास था और फूट गया, वहां वो मलिन वृत्ति तड़पाती है। तो जब ये तत्व विचार कर रहा था उस समय वो मलिन वृत्तियां पड़ी थी या नहीं, कि पड़ी थी तभी तो वो आधे घंटे के बाद में फिर वो दुख हुआ ना, नौकर के ऊपर गुस्सा किया ना। तो ये जो उस समय मलिन वृत्ति, तो तत्व विचार करते करते वहां हो क्या रहा था। तो खास ये कि वो तत्व विचार करते करते मिथ्यात्व मंद होता है, मिथ्यात्व मंद होता है, मिथ्यात्व का भाव जो है वो मंद होता है। तत्व विचार करने से मिथ्यात्व मंद होता है। मैं ध्रुव ज्ञायक हूं, ज्ञायक हूं, ज्ञायक हूं, ज्ञायक हूं, ज्ञायक हूं, ज्ञायक हूं, हो 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 हो। वो जो भाव है उसमें हो हो हो। तत्व विचार करते करते ये कल जो तत्व विचार नहीं किया था और गिलास फूटा तो क्रोध आया, आज तत्व विचार करके फिर किचन में गया और गिलास फूटा और फिर क्रोध आया। दुनिया यह क्या देखती है मालूम है, दुनिया यह देखती है इसके अंदर कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा। कल भी क्रोध आया था और आज भी क्रोध आया है, इसकी जिंदगी में धर्म है कहां। वो कल भी ऐसा पापी था, आज भी पापी है। कल जितना पाप तेरे में था आज उतना ही पाप तेरे में।
तो वो तत्व विचार के कारण पाप तो कम नहीं हुआ ने, तत्व विचार के कारण पाप कम होता ही नहीं है, तत्व विचार के कारण वो पाप में ही अपना अस्तित्व जो मान करके रखा है वो भ्रम खुलने लगता है, छूटने लगता है। वो हो, समझ में आया? ये उसका भाव ये है कि वो तो ऐसा का ऐसा ही है, ऐसा का ऐसा ही है। वो उदय के परिणाम जो है वो उदय के परिणाम ऐसे होंगे, वो जो बात उसको समझनी है उसी को समझनी है, उसी को समझनी है, उसी को समझनी है। आज उसके अंदर में ये विचार चलेगा, ऐसा ऐसा ये विचार। वो क्या कहता है कि कल जब दर्पण का स्वरूप नहीं समझ रहा था, समझना इसका भाव, क्योंकि ये तुम्हारे सभी की जिंदगी की हालत ये है कि ये जो कल दर्पण के सामने सांप आया था और आज भी दर्पण के सामने सांप आया, मगर मैं दर्पण का स्वरूप अब पढ़ने लगा हूं, स्वरूप मैं दर्पण का स्वरूप पढ़ने लगा हूं, तो कल सांप आया था आज सांप नहीं आना चाहिए, इसको क्यों जोड़ते हो? कल जब सांप आया था सामने तब मैं भयभीत हो गया था कि ये सांप आ गया, और आज जब सांप आया है तो भयभीत नहीं होता हूं कि सांप आ गया, क्योंकि मैं अब आज छू रहा हूं, और नहीं भी छुआ तो भी विचार यदि चलता है तो उस समय भी उसका मोह मंद होने लगा है, माने अब वो प्रक्रिया चालू हुई। तो बिल्कुल चिंता मत कर, कोई भी कषाय के भाव होने पर भी तेरी जो प्रक्रिया शब्द जो है वो प्रक्रिया शुरू हो गई है, माने तूने दर्पण को पढ़ना शुरू कर दिया। और ये महत्वपूर्ण था, यही है जो अनंत जन्म मरण में नहीं हुआ। तीर्थंकर के पास जाकर के ये परिणवन जो अंदर में होना चाहिए था, ये प्रक्रिया जो शुरू होनी चाहिए थी वो हुई ही नहीं थी। सांप को देख करके तुरंत ही सपेरे को बुलाओ, लाठी लेके आओ, डिब्बा लेके आओ, रस्सी लेके आओ, तरह तरह के ये विकल्प आते थे। आज जो है वो आज वो क्या करता है कि थोड़ा भी दर्पण को समझने की उसकी प्रक्रिया शुरू हो गई है तो आज वो डिब्बा वगैरह नहीं मंगाता, आज वो यही देखता है कि ये ऐसा दर्पण है कि जिसमें कभी सांप आता ही नहीं, ये गुरु के मुंह से मैंने सुना था, ये क्या वास्तव में ऐसा है? तो ये सांप है जो दिख रहा है, इसमें क्या सांप नहीं है? तो फिर स्वभाव को पहचानेगा कि ये सांप तो हिल रहा है, मगर गुरु ने कहा कि दर्पण तो हिलता नहीं है, ये सांप तो नजदीक आता हुआ दिखता है, दूर जाता हुआ दिखता है। गुरु ने कहा था कि दर्पण तो नजदीक आता नहीं, दूर जाता नहीं, तो इस तरह से वो दर्पण को देख करके जो सुना हुआ था उसका प्रयोग करता है। सांप तो आता है, सांप तो रहता है, सांप तो फैन लगाता है वहां पर, मगर यहां उसका विचार चालू हो गया। और दुनिया की दृष्टि कहां तक है? दुनिया की दृष्टि यह कि दर्पण के सामने क्या, दुनिया ये नहीं देखती है कि तुम जब दर्पण में देखते हो तब तुम्हारे अंदर जो प्रक्रिया चल रही है वो दुनिया को नहीं दिखाई देगी, और वो प्रक्रिया सम्यक दर्शन का कारण बनती है। उसी से धर्म का जो मूल है वो वहां से, इसलिए परवा तू खुद कहेगा कि ये तो मैंने सोचा नहीं और मैं तो बस ऐसे ही निकल गया, ये ज्ञान धारा 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 ऐसे चलते चलते चलते, बस ये जो वस्तु ये वस्तु ये बस ऐसा ये स्वरूप।
इसलिए कहा परिणामों में भेद किए बिना अनुभूति की प्रक्रिया पर पूरी तरह से अभ्यास करो। परिणामों में भेद किए बिना, ये उंगली है, ये बड़ी उंगली है, ये बीच वाली उंगली है ना, ये बीच वाली उंगली, ये बड़ी उंगली, ये चौथे नंबर की उंगली है, वो छोटी उंगली, और ये जो पांचवी उंगली तो सबसे छोटी। कौन सी उंगली ज्यादा खतरनाक है? बड़ी उंगली है ना, ये बीच वाली उंगली ज्यादा बड़ी है और ये उंगली बहुत छोटी है। ये बड़ी और छोटी का भेद नहीं करना है, जो उंगली को पकड़ा है उसमें किसने फीट पकड़ा है और किसको ढीला पकड़ा है ये देखना। किसी ने बड़ी उंगली को पकड़ा हो और ढीला पकड़ा हो, किसी ने छोटी उंगली को पकड़ा हो और फीट पकड़ा हो, तो वो बन जाएगा। माने एक को क्रोध ज्यादा आता है, एक को क्रोध कम आता है, मगर ज्यादा क्रोध वाला व्यक्ति उस क्रोध को पकड़ता नहीं है तो वो छूट जाता है, और कम क्रोध वाला वो क्रोध को पकड़ता है तो वो बन जाता है। और दुनिया ये देखती है उंगली बड़ी या छोटी, और समझदार व्यक्ति देखता है कि पकड़ा है या नहीं पकड़ा। समझ में आ रहा है तुम्हारी? ये प्रयोग करना है। वो कांच का गिलास फूटा तब जो गुस्सा बहुत आ गया, कितना गुस्सा आया था, कितना गुस्सा आया, कितना गुस्सा आया, कितना गुस्सा आया, ये हिसाब मत करना। ये हिसाब करना ही नहीं, ये हमारी दुनिया अलग है। हमारी दुनिया में कषाय भावों का हिसाब ही नहीं होता, हमारी दुनिया में राग द्वेष का हिसाब ही नहीं होता है। जैसे अमेरिका में रुपये नहीं चलते, डॉलर चलते, भारत में डॉलर नहीं चलते, रुपये चलते, ऐसे ही हमारे इस जगत में क्रोधादि कषाय भाव चलते ही नहीं। यहां जागृति चलती है। कितनी जागृति है उसकी बात करो। आपके पास जागृति का मतलब सांप कितना, कैसा, किस रूप का, ऐसा नहीं, दर्पण दर्पण दर्पण, ये जो बात है, ये पूरा सार आज हो ये है। उस अनुभव में फर्क पड़ा। अब सांप आया, सांप आया या नहीं आया, वो जैसे भागता नहीं है ना दर्पण, ऐसे ही ज्ञान का स्वभाव ऐसा है, भागता नहीं है। और तुरंत ही फिर उस दर्पण के सामने भगवान की मूर्ति आ जाए तो दर्पण थोड़ा तो नाचेगा ना। ऐसा लगना चाहिए कि ये भगवान जो है, ये भगवान जिनके दर्शन करने से ये जो मन नाचता है ना, वो मन ही नाचता है, ज्ञान नहीं नाचता। अंदर में ऐसा ही मानना है, ये वितरागी परमात्मा आपके दर्शन करके, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। क्या कहा? हे वितरागी भगवान, आपके दर्शन करके मैं धन्य हो गया। माने हे दर्पण, तेरे सामने जो आया है उस वजह से तो धन्य हो गया। मारे तेरी जो धन्यता है, तेरी महिमा तेरे कारण नहीं है, तेरे सामने कौन आया उसके कारण हो गई।
मेरे सामने कौन आया है, उस वजह से मैं महिमावान नहीं हूं। मेरा होना ही मेरी महिमा है। ऐसा ये दोहा है। दोहा पढ़ा कि नहीं पढ़ा, वो भी याद नहीं रहा। चलो पढ़ लेते हैं डबल, नहीं पढ़ा वो तो पढ़ लेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ा ना? आप लोग वही याद रखो। नमाज पढ़ लेते हैं अभी। जोय विषमे जोय गई, मणु वारण हम न जाई, इंद्रिय विषय जिसु खड़ा, तीर्थ वली वली जाई। हे योगी, जोग की गति विषम है, मन रोका नहीं जाता और इंद्रिय विषयों के सुख में बली बली जाता है, फिर इंद्रिय विषयों में भ्रमण करता है। यह मन ऐसा है, मन तो ऐसा है, इंद्रिय विषयों के सुखों में जाकर के भटकता है। ये गणित बिल्कुल अलग है, इसलिए तो गुरुदेव की बात ये हर किसी को क्यों समझ में नहीं आती। पूरी दुनिया ये कहती है मन बहुत भटकता है, मन इंद्रिय विषयों में बहुत जाता है, बहुत जाता है। क्या करना चाहिए बोलो? मन जब इंद्रिय विषय के भोगों में जाए तो क्या करना चाहिए? कि सिर्फ इतना जानना चाहिए कि मन ही जा रहा है ना, मैं तो नहीं जा रहा ना। तो मन से वेद ज्ञान करना, मन तो जा रहा है, मन तो जा रहा है, मगर उस मन की ओर भी तेरा ध्यान क्यों गया? वो तेरा अपराध है। मन ने तो अपराध किया था, मगर उस मन की ओर ध्यान गया, उस मन को तू ठिकाने लगाने गया, ये एक अपराध है। इसलिए मैं मन के साथ में कोई छेड़खानी नहीं करता। मन मन का काम करता, तो मन की शिकायत करता है, वही तेरी सबसे बड़ी शिकायत है, तेरा प्रॉब्लम ये है। एक पत्नी जोर जोर से चिल्ला रही है कि मैं तंग आ गई हूं अपने पति से, इतना झूठा है, बहुत झूठ बोलता है, कितना सहन करूं? उसकी सखी ने बोला क्या हो गया? कि बोले सारे समाज में जाकर के सबको कहता है कि किसी ने मेरे 5,000 रुपये चुरा लिए, 5,000 रुपये चुराए, 5,000 रुपये चुराए, बदनाम करता है। और सुबह से मैं 5 बार बाथरूम में जाकर के गिन चुकी हूं, 4,000 ही है, 5,000 नहीं है, कितना झूठा है मेरा हस्बैंड। वो दूसरा कितना खराब है और तू कैसी है? ये ऐसी हालत है कि मन बहुत खराब है, मन बहुत भटकता है, मन भटकता है ना, वो मन का प्रॉब्लम है, मगर तू उस मन की गिनती क्यों करता है? उस मन पर तो तेरा अधिकार नहीं है ना।
इसलिए मैं मन का विचार नहीं करता। मन मन का काम करे, मन जहां पर भी जाना है जाए, मेरा जोर चैतन्य पर ही बना रहे। तुम्हें प्रेरणा तो नहीं मिलती है ना इस सत्संग से? आपको किसी को प्रेरणा मिलती है? गिलास फिटे फूटे तो गुस्सा करने की प्रेरणा मिलती है? ये गुस्सा करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुस्सा करने में क्या प्रॉब्लम है? इसलिए कभी कभी लगता है इतना क्रोध, इतना क्रोध। जितना ज्यादा क्रोध, जितना ज्यादा कषाय, जितनी ज्यादा विकृति, जितने ज्यादा पाप, और अंदर में ये देखना, यही तो महिमा है। नरक में जो दुख बताए उसकी महिमा, कि नारकी वहां नरक में शरीर के टुकड़े होने पर भी आत्मा के टुकड़े नहीं हुए ने, ऐसे ही यहां पर इतने विकल्प हुए, इतना क्रोध किया, फिर भी ज्ञान कैसे निर्लेप रह करके मात्र जानता हूं। ये मन है वो चढ़ जाता है, बलि 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 चढ़ाते हैं ना, ये मन ही बलि की तरह चढ़ता है। ज्ञान में ज्ञान ज्ञान ज्ञान, उस ज्ञान पर मन बैठ नहीं सकता। ज्ञान के ऊपर मन नहीं बैठता है, क्योंकि ज्ञान सर्वांग जानने 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 स्वभाव से ही इतना भरा हुआ है कि जो भी भाव आए, ये पाना है, ये करना है, ये जो भी क्रिया का विकल्प आता है, उन विकल्पों को अपना माने बिना इस ज्ञान को विकल्प के साथ में मिश्रण होता हुआ न देखना। अपना जो धन है ये अपना धन, उसके साथ में उसके अंदर ऐसा उसके अंदर जाता ही नहीं है। ये मन के विकल्प के अंदर यह ज्ञान 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 ज्ञान, विकल्प का हिसाब अब बंद करना है। मैं तुमसे अंत में प्रयोग कहता हूं कि आज तुम पूरे दिन भर जो तत्व विचार चले, उस तत्व विचार में ज्ञान में मन ज्ञान के ऊपर आकर के बैठा नहीं है, ज्ञान के आसन में ज्ञान ही है। शिकायत न करूंगा, उसे इतना मुक्त रूप से, ऐसा ऐसा मुक्त रूप से छोड़ दो, छोड़ दो। माने कि उसके उसकी जड़ता जो पकड़ करके छोड़ दो, माने छोड़ दो माने क्या, वो जो कल्पना में कुत्ते को छोड़ दे, तू जहां घूमना है उसे घूमने दे। और वास्तव में उस समय ऐसा अपूर्व अनुभव होता है, क्योंकि ज्ञान को ज्ञान की मर्यादा में अनुभव करते हो, और मन जहां जाता है वहां जाता है, मगर वो मन जाता ही नहीं है, क्योंकि मन अकेला हो जाता है, तेरा साथ उस मन को नहीं मिला। वो मन फिर लंगड़ा हो जाता है, इसलिए तो सौगानी जी कहते थे ना, राग में अपनापन न हो तो राग लंगड़ा हो जाता है। द्रव्य के जोर से ही मैं जहां पर हूं, मैं जहां बैठा हूं, ऐसा बैठना, बैठ करके मैं जहां बैठा हूं,
भाव इसका हो। बैठा माने वो शरीर वाला बैठा नहीं, मैं जहां बैठा हूं माने मेरी सत्ता का जो अस्तित्व है वहां मेरी कोई शिकायत नहीं है कि यहाँ राग है ही नहीं, यहाँ राग है ही नहीं, यहाँ राग है ही नहीं। ये सब पुरानी 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 धारा छोड़। नास्ति का जो विकल्प है वो अस्ति के आनंद से वंचित कर देता। नास्ति का विकल्प अस्ति के आनंद से, ये विकल्प आया कि मन में नहीं हूं, मन में नहीं हूं, जो इंद्रिय विषय के सुख में जो भटकता रहता है ऐसा जो मन है वो मन ही भटकता है ना, ज्ञान तो भटकता नहीं। ओ हो, फिर वो मन, अब मन मन कहां 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 वो भटकता है। हमारी जो वस्तु नहीं है, किसी और का महल है बंगला है, उसको देख करके कभी तो भाव आया होगा कि ऐसा महल मेरे पास में होता। किसी का धन देख करके भाव आया, किसी की स्त्री देख करके भाव आया, एक बार किसी की गाड़ी देख करके भाव आया। ये भाव आता है ना, या ये कि उसके अंदर में अपना पराया ये भाव भूल जाता है, ये भेद भूल जाता है, और जो मिला वहां पर ये मन कहां 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 चला जाता है। तो अब वो जो क्रिया चल रही थी, क्या वो मन जो है उस मन को कंट्रोल में रखना है, ऐसा उस मन को कंट्रोल में रखना है। ये बछड़ा जो यहां वहां भाग रहा है उस बछड़े को बांध देना है ना। कोई भी व्यक्ति ये बछड़ा है, बछड़ा भागता हो तो उसको बांध देंगे ना, मगर बांधने से पहले बांधने वाले को इतना तो पक्का पता है, श्रद्धा है कि जिस खूंटे के साथ में मैं बछड़े को बांधने जा रहा हूं ये खूंटा निकल नहीं जाएगा। उतना गहराई में जाकर के वो खूंटा डटा हुआ कि वो बछड़ा खूंटे के साथ में नहीं भाग जाएगा। ऐसा होता है ना जानवर, वो खूंटा होता है उसको लेकर के भी, खूंटे को तोड़ करके भी वो भाग जाते हैं। तो तू चाहता है कि परिणाम को मैं स्थिर कर दूं, मगर परिणाम को स्थिर करने से पहले जिस मैं स्थिर करना चाहता है वह सत्ता स्थिर है ये तो स्वीकार ही नहीं है। ये सत्ता की श्रद्धा के बिना परिणाम वहां बंधेंगे कैसे, टिकेंगे कैसे। इसलिए मन का कोई भी विकल्प नहीं है, मैं मन के बारे में कुछ नहीं, मन यहां नहीं है, मेरे लोक में मन नहीं है, मेरे लोक में ज्ञान की सत्ता और ध्रुवता ही है, ये ध्रुवता ही मैं हूं। है अब ध्रुवता की श्रद्धा हो रही है कि नहीं? ध्रुवता की श्रद्धा होती हो तो होती हो, नहीं होती हो तो नहीं होती हो, फिर भी मैं ध्रुव हूं, ऐसा ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए। ये कोई कितना भी कहे, तुम मानते हो इस बात को, तुम मानो या न मानो तुम ध्रुव हो। तुम मानो तो भी ध्रुव हो और नहीं मानो तो भी ध्रुव हो तो ध्रुव ही हो। पश्चिम का एक वैज्ञानिक था नाइल्स बोर, बहुत बड़ा वैज्ञानिक, मगर वह भी ये मानता था जिस
कुर्सी पे बैठता था ना, वहां घोड़े की नाल वो वहां पर लटकाता था। घोड़े की नाल लटकाने से अपना काम हो जाता है। तो नाइल्स बोर जैसा वैज्ञानिक, नाइल्स बोर जैसा वैज्ञानिक, इतने बड़े वैज्ञानिक और घोड़े की नाल, हमें लगता है ये गांव के गवार होते हैं। ऐसे लोग ही गांव के गवार ऐसी झूठी मान्यता में फंसते हैं। ऐसा नहीं है, इतने बड़े वैज्ञानिक भी उसमें फंस जाते हैं। मगर उनको जब नाइल्स बोर के पास में पत्रकार लोग गए और पत्रकारों ने जब उनसे कहा कि आप तो इतने बड़े वैज्ञानिक हैं और आपको तो इतना तो पता होगा ना, इतनी तो श्रद्धा होगी ना, आप भी इसमें मानते हैं घोड़े की नाल रखने से काम हो जाता है, आप इसमें भरोसा करते हैं? उसने क्या कहा मालूम है कि मैं बिल्कुल इसमें भरोसा नहीं करता, घोड़े की नाल में मेरा बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये सब घोड़े की नाल रखने से काम हो जाता है मेरा बिल्कुल भरोसा नहीं, मैं मानता ही नहीं हूं। तो पत्रकार ने पूछा फिर क्यों रखी है? बोले जिसने मुझे दी है उसने ये कहा है कि तुम मानो या न मानो काम तो होता है। मैं मानता ही नहीं हूं, बिल्कुल नहीं मानता, मगर मानो या न मानो काम तो होता है। मैं ज्ञान दीपकों से कहता हूं तू मान या न मान, तू ध्रुव है और है, ये मान करके भी तो मान ले, क्योंकि हमें गुरुदेव ने कहा है कि मानो या न मानो तुम ध्रुव हो, ये समझ करके भी हमने मान लिया। हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्य की मस्ती में मस्त रहना, आनंद में रहना, ये ध्रुव तुम मानो या न मानो। आज आखिरी प्रवचन है उमराला में, बाद में आऊंगा, टेंशन मत लो, अभी जा रहा हूं इसका मतलब ये नहीं। मगर आऊ तो भी ठीक, न आऊ तो भी ठीक, हम कफन लेकर के घूमते हैं, सफेद कपड़ा ही हमारा कफन है, रात को कुर्ता पजामा पहन के सो जाते हैं तो कफन को ओढ़ के ही सो जाते हैं। कोई डरने की जरूरत नहीं है, एक चैतन्य की मस्ती। हे ज्ञान दीपक, तू जहां रहे, तू जहां जहां रहे, ये ध्रुव की जागृति, बस ध्रुव 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 ध्रुव, कितनी दृढ़ता आती है। यदि मैं नहीं मानूंगा मैं भगवान आत्मा हूं तो मत मान, तू तो भगवान आत्मा ही है। यदि मैं नहीं मानू तो तू जो तुझे करना है सो कर, ये श्रद्धा आ जाती है, ये श्रद्धा आती है। एक ज्ञान दीपक है, मुझे बहुत चाहते हैं, उन्होंने मुझे एक सुझाव दिया। उसने कहा गुरुदेव एक बात कहो, जिनको तत्व को पाना होगा ना आपके सामने आ जाएंगे, आप काय को उनके पास में जाते हो, जिनको इच्छा होगी जिनकी योग्यता होगी वो आ जाएंगे। ये सब अपन को काय को वहां तक जाने का और खतरनाक लोगों के पास जाने का,
मेरे पास में ज्यादा समय नहीं था, इसलिए मैंने संक्षेप में कह दिया कि वो जो दो मुनिराज आकाश में से नीचे उतरे थे, शेर उनके पास में नहीं गया था, मुनि उनके पास आए थे। और शेर उतना जितना खतरनाक है उतना मनुष्य तो खतरनाक नहीं है, इसका खाने वाला नहीं है। मुझे कोई अंतर नहीं लगता, सभी जीव परमात्मा परमात्मा परमात्मा। पपुआ न्यू गिनी का व्यक्ति मुझे खाने के लिए आया था, लगा ही नहीं कि ये खा जाएगा, क्योंकि जो ध्रुव चैतन्य सत्ता इस शरीर में नहीं गई है, तो वो पपुआ न्यू गिनी के उस मनुष्य के शरीर में वो ध्रुवता कैसे जाएगी? ये ध्रुव मैं, ध्रुव मैं, ध्रुव मैं, तो फिर यहां क्यों आया हूं मैं? ध्रुव हूं तो उदय उदय का काम करता है, कर्म कर्म का काम करता है, जैसी जिसकी गति ये उसका काम करता है। और बिल्कुल ये वितरागी परमात्मा की पुकार, परम कृपालु देव की ये पुकार, ये ध्रुव की पुकार पूरी दुनिया में सब जगह पहुंचेगी। अभी तो भारत भी लेना है, अभी तो सारा जग ये वाणी पहुंचेगी, मगर पहुंचाने वाला ध्रुव नहीं होगा, ये ध्रुव में। तो एक तो श्रद्धा की पकड़ ध्रुव के साथ में ऐसी बनी रहे और उदय उदय का कार्य करे। तो आनंद में रहोगे, मस्ती में रहोगे, चैतन्य की मस्ती और ध्रुव की मस्ती। परिणाम पर जोर ही मत देना, परिणाम को प्रधानता मत देना, परिणाम का विचार भी मत करो। मैं तो कहता हूं चैतन्य तत्व विचार में रस मत लेना भगवान, और तत्व पर ही पूरा जोर। अभी मैं अहमदाबाद जा रहा हूं आज और कल, फिर अहमदाबाद से मुंबई के लिए निकलूंगा, फिर कल मुंबई में प्रवचन है 2:30 बजे, उसके बाद में कल फिर टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि परसों सुबह अर्ली मॉर्निंग में फ्लाइट पकड़नी है, तो फिर टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए परसों का सत्संग तो अफ्रीका से होगा, कल का सत्संग यदि आप लोग सुबह जल्दी उठ जाएंगे तो कल सुबह सुबह सत्संग कर लेते हैं। 6:24 को उठ जाते हैं, इतने कौन कौन से है, कितने लोग हैं? आधे लोग भी 6:24 पर। अरे वाह, कितने दीवाने। बस तो फिर पक्का अपना अपनी मुलाकात पक्की। वैसे भी बुढ़ापे में नींद कम आती, 6:24 पर कल सुबह अपन मिलेंगे, और ध्रुव की मस्ती में, कल चैतन्य की मस्ती में अपन कल मस्त होंगे। फिर से कहता हूं चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिन
रहते देहातीत उन ज्ञानी के चरण में हो वंदन अगणित, हो वंदन अगणित।